शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। माफ कीजिए सर, मैंने आपको पहचान नहीं। धर्मेश जी? जी हाँ। सीबीआई ऑफिसर रजनीकांत। ओ, मैंने आपके बारे में बहुत। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बैठे रहिए। जिस काम के लिए मैंने आपकी गाड़ी रुकवाई है ना, उस काम के लिए अगर आप बैठे रहे तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। आप तो ये जानते ही होंगे कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। जी जी। पर शायद आप ये नहीं जानते हैं कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी हूँ। टू इन वन। बापी पेट का सवाल है। महंगाई बहुत बढ़ गई ना आजकल, सिर्फ इडली खाकर थोड़ी ना जी सकते हैं। खैर ये सब छोड़िए, कोई आखिरी ख्वाहिश? सर, सर, सर। खेल खत्म। दिल विच तेरा प्यार बसा।
शीशे च सजाया तैनू दिल वाले शीशे च सजाया दिल कर वेखदा रवा किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी ज़्यादा होवे पुछ काले बदला तो सीने विच अग लागे पुछ काले बदला तो सीने विच अग लागे लंघ गईया कई बरसाता टूर गयो सजना नींद रख होके जाग के कटिया राता क्या किया तुमने छोटी सी फूल जैसी बच्ची थी उसको मार दिया हा? अरे तूने ही तो पैदा किया था ना मारने के लिए पैदा किया था क्या हा? बड़े खुशनसीब होते हैं लोग जिनके घरों में बेटियां पैदा होती हैं और तूने उसी को मार दिया फिल्म स्टार आमिर खान का गला दुख रहा होगा चीख चीख कर बोल के कि भाइयों बेटियों को मत मारो और तू तूने उसी को मार दिया वाह साला अपने रजनीकांत साहब का इंटरोगेशन और मुजरिम को अपने गुनाहों का एहसास दिलाने का क्या स्टाइल है सही बोला यार आज तक मैंने भी उनको कभी किसी मुजरिम पे हाथ उठाते हुए नहीं देखा रोना नहीं रोना बिल्कुल नहीं जानकी दास तकलीफ और किसी को नहीं मगर आसमान में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटी को हो रही होगी वो वहां से चिल्ला रही होगी कि आए जल्लाद पुलिस वालों मेरे बाप को मत सताओ मैं उसी की बेटी हूँ उसी ने मुझे मार दिया तो कौन सा गुनाह किया जान भी तो मुझ में उन्हीं ने तो डाली थी रजनीकांत साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी का भी एनकाउंटर नहीं किया होगा क्या स्टाइल है बंदे का नहीं साहब नहीं मेरा जीने का कोई हक नहीं है साहब क्षमा नहीं करना मुझे साहब मैं बहुत बुरा इंसान हूँ साहब बताई दो बदने से आखिर क्यों तूने उस फूल की जान ली जो अब तक 20 साल की भी नहीं हुई थी मेरी बच्ची ने कोई गलत काम नहीं किया था साहब वो सिर्फ एक छोटे जात वाले से प्यार करती थी और तूने ऑनर के लिए करवा दिया चढ़ा दिया सूली पर उस बच्ची को जात पात के नाम पर वाह रे समाज के ठेकेदार वाह
इसका बयान रिकॉर्ड कर लो। यस सर। हेलो। अरे दादा, रजनीकांत का फोन लग गया है। कथा बोलो, कथा बोलो। हेलो। हेलो बच्चन साहब। अरे तुम हंस रहे हो, क्यों रो रहे हो? अरे मेरा मतलब है, तुम्हारी आवाज में इतना वजन है, कोई ऐसा लग रहा तुम रो रहे हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नहीं बच्चन साहब, एक इंटरोगेशन कर रहा था, करते करते मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया। पहली बार देखा है एक पुलिस वाला इंटरोगेशन कर रहा है और खुद रो रहा है। भैया हो सकता है मुजरिम उसको मार रहा हो। पैदा होता मर क्यों नहीं गया? हमको भी यही लगता है। बोलो तुम मार दो। नहीं तोता भाई है, इसको बात तो पता है। इतना इमोशनल होने की क्या बात है? कहीं ये जो मुजरिम था, बात करना तुम्हारी मम्मी तो नहीं थी? मेरा मतलब है तुम्हारा तो जान पहचान वाला तो नहीं था ना? नहीं बच्चन साहब, जान पहचान का तो नहीं था, पर मुजरिम ने बेटी का कत्ल कर दिया था। बेटियां क्या होती हैं ये समझाते समझाते मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया। तो कर लो बात, बेटे की बात करते करते खुद रोने लग गया। दादा हमको क्या लगता है, ये जो बौका है इसको काम देके आप गंडगोल कोड़ा है, गड़बड़ कोड़ा है। तुम अपने पोत में रहो। इसमें तुम अपने कोट में रहो। औकात में बात करता है। हेलो, देखो रजनी, ये दुनिया गोल है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा होल है। बाप बेटी का नहीं, ये मेला नहीं, ये मलता नहीं, गर्मी बहुत है, बारिश होती नहीं। भैया काम की बात तो कर लो। हाँ तो काम की बात ये है कि मैंने को तुमको ना एक असाइनमेंट देना है। कंसाइनमेंट? 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 हाँ वही, सुन लिया ना, इसके लिए तुम इंदौर में आ जाओ। बुरा ना मानिए बच्चन साहब, पर पिछले काम का 3,36,000 अब तक आपने मुझे नहीं दिए। पता नहीं उन पैसों से आपको क्या शाहरुख खान का घर खरीदना था। हाँ दे दूंगा, ये तुम काम करो, तुम्हारा अगला भी दे दूंगा, पिछला भी दे दूंगा, लेफ्ट भी दे दूंगा, राइट भी दे दूंगा, सब दे दूंगा। काम कितने का है बच्चन साहब? 5 तलोल। पांच तलोल का तूना लगाया है उस पुलिस वाले चोर नायडू ने मेरे को। और एक हफ्ते तक किधर दिखता भी नहीं है, और उसने साफ साफ लफ्जों में बोल दिया है मेरे को जो उसका उखाड़ना है उखाड़ना है। उखाड़ना है? हाँ उठा लो, लेकिन मैं पैसा नहीं देगा। ए साले तोतले डॉन, तेरे 5 करोड़ मेरे पास है, अब वो मेरे, जा नहीं देता, जो उखाड़ना उखाड़ ले। ज्यादा नाटक किया ना तो बीच बाजार में तेरा एनकाउंटर करूंगा, समझ ले। पर वो ऐसे क्यों कर रहे बच्चन साहब, क्या कुछ पैसे निकलते हैं उसके आप पर? अभी बोलो बोलो। मैंने उसको पिछले काम का 10 लाख रुपया देना है। लाख? लाख 10 लाख। अच्छा, पुराना मानिए बच्चन साहब, पर ना आपको अमरीश पुरी जैसा विलन होना था, पर आप सबसे काम करवा के उनसे पैसे मारते हैं, ये जगदीप वाली हरकतें क्यों करते हैं आप? क्या बोला? मैं तकल तितले को जगदीप लगता हूँ। मेरा नाम है अदित्य बच्चन, लिखते में हम तुम्हारे तात लगते हैं, तात। बाप तुम्हारे मतलब क्या है? मतलब साफ है बच्चन साहब, मोड़ा नीचे कीजिए। अच्छा, आपको मुझे मेरे 3,36,000 देने, और आपने अभी अभी कहा कि नायडू को 10 लाख देने थे, और उसने आपको 5 करोड़ का चुना लगा दिया। हमारे तरफ नहीं, उधर देखो। अभी इधर उधर देखने से क्या फायदा बच्चन साहब, बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? दे तो, अगर वो बच गया तो मेले को जानते माल देगा। मेले को मेला 5 तलोल चाहिए और उस नायडू की लात। अब ये कौन सा लात है? लाश। अच्छा तो पुलिस वाले का मर्डर करना है, 10 लाख लूंगा बच्चन साहब। 10 लाख? ना, 10 लाख तू मत। मैं आपको ना 5 लाख दे सकता हूँ। बच्चन साहब, पुलिस वाले का मर्डर करना है और आपको 5 करोड़ की वसूली भी चाहिए, अगर आपको 10 लाख ज्यादा लग रहे हैं तो इसको 1 लाख देकर काम करवा लो ना, मुझे इतनी दूर से बुलाने की क्या जरूरत थी? इतने तो ये तोतरोज भी नहीं मिलेगा, ये नाटू को क्या मिलेगा? ठीक है, अंदर जाओ, ताला वाला बैग है, उसमें 10 लाख रुपए है, उठा के दे जाओ। अच्छा हाँ सुनो, तो उस बैग में 3,36,000 भी डाल देना। बच्चन साहब को भूलने की बीमारी है। डाल दे, ये मानने वाला नहीं है। मैंने तो तोता था, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कमीना आदमी मैं हूँ, लेकिन ये तो मेला भी तात निकला। थैंक यू बच्चन साहब। बाप तू इधर क्यों बैठा है, तब पैसा लेके आ। लेकिन लजनी डालू मुझको ना पल पल की तबल
होनी चाहिए। ओके बच्चन साहब, मैं हर पल आपको फोन करके बताता रहूं। थैंक यू। और रजनीकांत भाई, क्या हाल चाल आपके? सब ऊपर वाले की कृपा। अच्छा भैया, एक बात तो बताओ, ये घाघरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिकअप। घाघरे को हिंदी में बोलता है इंडियन स्कर्ट। समझ गया? वाह वाह यार, एक तू ये समझदार यहाँ पे अरविंद। मिले भाई, इधर हमारी मीटिंग चल रही है। अच्छा। तू ये टॉम चल, तेरे को इतकल के बारे में पता करना है ना। बाजू वाला दल है, वहाँ एक ललती है, हमेशा इतकल पहनती है। उत्ते पूत इतकल तो क्या बोलते हैं घाघरे को। अच्छा। दा दा दा। ओके ओके ओके, कर लो भैया कर लो मीटिंग, मैंने तो टोल लेना ना आपसे। टोल तो तेरा निकालूंगा लाख को। बच्चन साहब, इसका तो कोई इलाज चल रहा था ना, क्या हुआ? ए, तादल हो गया तादल। एक्चुअली क्या हुआ पता है, इसका रोमांस इतको गया एक तादी तुदा औलक के साथ। एक दिन ए रात को तादी तुदा औलक के कमरे के अंदर उत्ते तात बोन चिंग पोंग कर रहा था। बोन चिंग पोंग कर रहा था। ऊपर थे उस तादी तुदा औलक का हसबेंड आ गया। अल भागने को कोई जगह नहीं थी, तो इतने तिलती थे नंगा नो कपड़ा पहने टूट गया। तब टूटा तल के बल गिला और पागल हो गया। प्यार ऐसे सबको अंधा और पागल बना देता। मुझे भी हुआ था प्यार ऐसे एक बार बच्चन साहब। नहीं 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 नहीं, मेरे को तुम्हारी तानी नहीं सुननी है, तानी बिल्कुल नहीं सुननी है। तुमको ये काम करना चलो निकलना मत करो, लेकिन मैं और तानी दूंगा तो पूरा तादल हो जाऊंगा। तुमको एक लड़की से प्यार था, इतना मेरे को मालूम है। ये प्यार था ना जिस लड़की के साथ, उसके साथ तुम्हारा क्या हुआ? उसके साथ तुम्हारा प्यार आगे बोला कहाँ? बच्चन साहब, वो मुझे छोड़ के चली गई। टोल के चली गई? बात ये है बच्चन साहब कि उसको पैसे का बहुत लालच था। वो ये सोचती कि मैं पैसे ज्यादा नहीं कमा रहा, और फिर मैं थोड़ा इंटेलिजेंट भी होना उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आपने कुछ कहा? मैं ये टहला था, तुम इतने हैंडसम आदमी, इतने इंटेलिजेंट आदमी, आपको तोल के तली गई। बेवतूत तुम नहीं, बेवतूत ओए। अच्छा मुझे इस बात बताओ, तुम्हारी उतर नाम क्या था? श्रीदेवी। श्रीदेवी एक हीरोइन, वो पिक्चर वाला ताकी ताकी और जितेंद्र वाला। इसकी गर्लफ्रेंड हीरोइन हो सकती है? इसकी गर्लफ्रेंड तो होगी वो संदास घर के अंदर डालू वाली होगी। ताकी ताकी ले। ए दादा, खाबड़ हो जाना, खाना लग चुका है। दादा खाना खा लेते हैं, बातचीत बाद में करेगा। सुनो, वो तो आया है और नाने भेजा है कोई होटल से। बच्चन साहब, ये तो वही है। वही तो मेरी श्री देवी। अरे तीली देवी नहीं है, पीली देवी है। अरे तो बैदा, इसको देख के तब तले हो जाती है। जब मैंने देता था मैं भी तला हो गया था। ये तिली देवी नहीं है तुम्हारी, ये मेरी मधु है। मधु मधु बाला, वो भी नहीं इसलिए मधु। अच्छा यार, पता है क्यों आई है? शाम को मेरे इधर डांस पार्टी है, मेरे साथ दांत कलेगी। इसको तला, इसको तला, इसको तला, ऐसा दांत कलेगी। एक काम चलो, हाथ मुँह धो और फिर इसका ताना तालो। ठीक है जी। दादा, ये आदमी को काम देके आप ठीक कर रहे हैं? काम ठीक कर रहा है, लेकिन एक बात है, मैं इस आदमी के साथ ताना खाने वाला नहीं। क्या नो? अरे ताना खाने के टाइम पे केबल के अंदर ये सीधा बीमारियों की बात करता है। बीमारी आधा ताजा हो चुका हूँ, इसकी बात करूंगा तो पूरा ताजा हो जाऊंगा। आप टेंशन मत लो, हम सब कोड़ देगा। हम आई ना, सब मैनेज हो जाएगा, हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहा हूँ, पैसा चाहिए ना? हाँ। वही तो दे रहा हूँ, तुम क्या समझी? इसको दिल लो, बिल्कुल बराबर है। ये क्या बच्चन साहब, आप भी शर्मिंदा कर देते हैं। देखो शाम को ऐसा दान करना कि चारों तरफ जलवा 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 हो जाए। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मधु का जलवा जब बोलता है ना तो सर चढ़ के बोलता है। एंड यू नो दैट। बाय द वे, ये आदमी कौन था? बड़ा घूर रहा था। आदमी नहीं था, पजामा था। पजामा मेरा पुराना दोस्त सीबीआई ऑफिसर है। लेकिन तुम उसकी तरह मत देखो, चलो मेरी तरह देखो और अभी जाओ। ओके ठीक है। अरे सुनो सुनो, जाते जाते तेरे को एक पप्पी दे दूं। रात का इंतजार तो करिए, पप्पी के साथ छप्पी भी दूंगी। होगी ना? पक्का पक्का दूंगी। यस, टाइप वाली छप्पी। हां हां, चलो जाओ। शुरू करो शुरू करो।
आज हम खास अपने हाथ से आपके लिए बिरयानी बनाया है। अच्छा? टेस्ट करो। अरे ये क्या बिरयानी? बिरयानी तो हमारी अम्मा बनाई करती थी। इसमें कौन नया बात है? हम भी ये बिरयानी अपना माताजी से सीखा है। प्रणाम माताजी। वो भी एक हाथ से। हैं? चमत्कार, एक हाथ से? क्यों? क्योंकि उनका क्रॉनिक डायबिटीज था और हेवी इंडाइजेशन भी, और उनका सीधा हाथ जो है ना बिल्कुल सड़ गया था। हर काम जो है ना वो उल्टे हाथ से ही करते थे। खाना खाओ, खाना खाओ। गंदा बात। अरे अच्छा, आप दाल खा रहे हैं? मुझे एक बात याद आई, मैंने बताया था ना उनका एक हाथ चढ़ गया था, उसमें से पीप निकलता था। और एक बार उन्होंने दाल गोश बनाया था और दाल गोश बिल्कुल ही खट्टा निकला। फिर पता चला कि उस दाल में ना पूरा उनका पीप मिक्स हो गया था। अरे ऐसा उल्टा उल्टा बात करता है, हमको उल्टी आता है। खाना छोड़ो, खाना की जगह उल्टी करेगा। अरुण भाई संभाल के, इसको क्या हो गया? खराब कर दिया। दाल में तो बहुत साल पहले गिरा था ना पीप, और उल्टियां अभी आ रही है उसको। यस। नमस्कार माँ। नमस्कार। मेरा नाम रजनीकांत राव, सीबीआई ऑफिसर हूँ। ओह, नायडू है घर पे? वो तो पिछले 3 दिनों से घर पे नहीं आया है, मैं खुद परेशान हूँ उसके लिए। आप अंदर तो आइए ना प्लीज। जी। सब ठीक तो है ना बेटा? कोई फिकर की बात नहीं माँ जी, एक केस के सिलसिले में नायडू से मिलना चाह रहा था, पर आप बता रही कि वो 3 दिन से गायब है। हाँ, ऐसा तो कई बार हो चुका है, मगर उस वक्त कम से कम हरी फोन तो कर दिया करता था। कमाल है। तुम बैठो ना, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं माँ जी, बस एक ग्लास पानी पिला दीजिए। अच्छा माँ जी, कोई आइडिया कि नायडू से कहाँ मुलाकात हो सकती है? अच्छा, मुझे हैदराबाद जाना था। ओह, आप योगेश सिंह को पहचानते हैं? वो बता पाएगा कि हरी कहाँ है। वो भी इंस्पेक्टर है और हरी का खास दोस्त है, शायद उसे पता होगा कि योगेश सिंह। माँ जी, आपसे किसी ने कहा है कि आप बिल्कुल रीमा लागू जी जैसी दिखती हैं। कौन रीमा लागू? अरे आप हिंदी फिल्में नहीं देखती? मुझे इतना शौक नहीं है। चाहे आमिर खान हो या सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, हर किसी का माँ का रोल कर चुकी है रीमा लागू जी। काश मेरी भी आप जैसी दिखने वाली माँ होती। तो बेटे, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना? माँ जैसी हो ना, माँ तो फिर भी आप नायडू की हो।
हेलो हेलो बच्चन साहब, मैं बच्चन बोल रहा हूँ, बोलो। और सुनाओ क्या हाल है? माता रानी की कृपा। तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, आपके घर से निकला तो टैक्सी ले ली और फिर मैं हरिप्रसाद वेंकटेश के घर चला गया। हरिप्रसाद वेंकटेश कौन है? दादा एक इंस्पेक्टर नायडू है ना, उनका ही तो पूरा नाम है मिस्टर हरि प्रसाद वेंकटेश नायडू मोशाय। एक आदमी का नाम है कि पूरे मोहल्ले का नाम है? एक ही आदमी का नाम है। इतना नंबर नाम क्यों बोलता है? इधर नायडू बोलना, नायडू। हाँ तो फिर हरि प्रसाद वेंकटेश अपनी कर खुद 3 दिनों से नहीं आया। क्यों? पता नहीं। तुम्हें किसने बताया? उसकी माँ ने। फिर तुमने क्या किया? उसको गोली मार दी और क्या कर। अरे क्यों प्ले बंद कर, माँ को गोली मार। क्यों? माँ को गोली मार दी पुलिस वाले। माँ को गोली मार दी पुलिस वाले की माँ तो गोली मार दी। जाहिर सी बात है बच्चन साहब, उसने मेरा चेहरा जो देख लिया था ना। तेरा देख लिया था, उसकी माँ को मार दिया। लेकिन ये तो हमारे कंसाइनमेंट में नहीं था। असाइनमेंट? मुझे काम दिया, बात खत्म। अब काम करते वक्त अगर किसी ने मेरा चेहरा देख लिया या मुझे कोई ऐसे सिचुएशन में देखे जिससे मुझे कोई डेंजर हो तो मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ता, बताइए। हाँ, इस बहाने आप मेरे पैसे कम ना कर देना प्लीज। और ज्यादा पैसे देने वाला भी नहीं उसको मार के मारने के लिए। मार तो मार दिया, पैसे और नहीं दूंगा। अरे तुमने ऐसा क्यों दिया? मैंने तो तुमको बोला था नाइटू तो मालो, नाइटू तो मालो। ये तो क्या दिया? देख अब मैं तुमको एक बार क्लियरली क्लियरली बोलता हूँ, तुमने इसको मेरे कहने पे नहीं मारा है, इसको तुमने अपने दिल से मारा है। दिल से? आपका डिक्शन बहुत खराब है। इधर लाओ, इधर लाओ। दिल से रे, दिल से रे। बंगाल का हाड़ आदमी शुरीला है। तुमने उसको अपने दिल से मारा है। मैंने अपने दिल से मारा है? बच्चन साहब, आपको इसकी माँ को देखना चाहिए था। बिल्कुल रीमा लागू जी जैसी दिखती थी। मुझे भी ऐसा लगा कि काश मेरी ऐसी एक माँ हो। सॉरी सर, मैंने कोई दिल से नहीं मारा है इसे। दादा हमको लगता है कि आप एकदम गलत आदमी का चुनाव किया है, एक बार और सोचो। ए वो तुमको डुबा देगा। अभी क्या चलू मैं, निकल गया है। क्या निकल गया है? तिल 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 समान में से निकल गया है ना। अच्छा धनुष वाला तिल। हाँ निकल गया। अरे बाप रे बाप। अरे सुन मेरे भाई रजनी। दादा एक मिनट, हमको लगता है रजनीकांत को छोड़ो, एक काम आप कमला हसन को दो। अबे तू लेट माइकी लेट होगा, हम रात को सोया है। तू लेट अच्छा लेट हो गया है। अरे भाई तो अभी तिलक नायडू पे कॉन्सेंट्रेट कर, उसको पकड़ और पैसा लेके मेरे पास आ जा। मेरे बाप वो नायडू बच्चन साहब, बिल क्लिंटन का बेटा नायडू। अबे इसको बता नायडू कौन है? ए सुन लो, नायडू मतलब हरि प्रसाद वेंकटेश नायडू मोशाय। अबे चुप कौन पे भाग दो, हमारा और खून मत दियो। ड्राइवर गाड़ी निकालो। बहुत जूता आता है यार। जूता नहीं है, जूता वाला आदमी है। दादा क्या बात कर रहा है, हम तो चप्पल वाला आदमी। ए देखो देखो टांग नीचे चल, सर्दी दिखती है। है? क्यों हानि कहती मुझसे शादी के लिए? मुझ पे भरोसा नहीं तुझे? तुम फिर से शुरू हो गए। मैं वादा करता हूं कि मेरी माँ भी इस पसंद को लेके बहुत खुश होगी। मुझे वाकई तुझसे बहुत प्यार है मल्लू, तेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अरे बाबा मैं जानती हूँ तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे, लेकिन बुराई मुझ में है तुम में नहीं। मेरी ये बुराइयां पहले तुम्हारे घर वालों पर पड़ेंगी, फिर तुम्हारे घर पर, फिर तुम्हारे करियर पर, फिर
हमारे जो होने वाले बच्चे होंगे उन पर। फिल्मों में देखने के लिए ये प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा लगता है, पर हकीकत कुछ और है। इस हकीकत को मैं एक नया चेहरा दूंगा, बदल दूंगा सब कुछ। ये बैग दिख रही है? अरे हाँ, मैं पूछना चाह रही थी, ये निर्दोष कॉन्डम का बैग कब से लेकर क्यों घूम रहे हो तुम? तुझे पता है उस बैग में क्या है? हाँ? तेरा और मेरा आने वाला कल, पूरे 5 करोड़ हार्ड कैश। 5 करोड़ रुपए? हाँ, जिसे लेकर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, तुम, मैं और मेरी माँ। मैं नौकरी भी छोड़ दूंगा, एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। अरे नई जिंदगी की शुरुआत तो कर लेंगे, लेकिन मेरे पुराने भूतों को कैसे भगाएंगे? इतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। पता है मेरा सपना क्या है? इस होटल में जितनी भी लड़कियां हैं जो धंधा करती हैं, मेरे गांव भानपुर से लाई गई हैं। मैं इतना पैसा कमाना चाहती हूँ, इतना पैसा कमाना चाहती हूँ कि गांव जाकर उन लड़कियों को शिक्षा दूं, अच्छी तालीम दूं और ठान लूं कि मेरे गांव से पढ़ लिख कर एक भी लड़की इस होटल में आकर धंधा नहीं करेगी। पता नहीं ये कब होगा, लेकिन मैं कोशिश जारी रखूंगी। देखा, मेरी सिर्फ बातें सुनकर बोर होकर सो गए हो तुम, और अभी कुछ देर पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी थी। ए नायडू सर, उठिए, काम पे नहीं जाना है क्या? नायडू सर, 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 नमस्ते। ए वाला, 200 में डबल बुर्जी भेज दे। हां जी। मां मलिका, मलिका आप फिर है? मलिका ना टाइम, मलिका। ओ अन्ना, रूम खाली कर दे, दूसरा कस्टमर बम मारे ला है। अन्ना, नायडू सर सो रहे हैं, रात को ही किसी का इनकाउंटर किया था उन्होंने बताया मुझे, अभी उठाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कहें तो उठा दो उन्हें। हायो देवरे, ये नायडू बहुत कड़क। सोने दे, सोने दे उसको। जी। सो रहा है कि मर गया है? जल्दी करना है मलिका। ए खाली करो, चलो। Thank you.
3000 तो कम है रे इसमें, 3000 इतना ही मिला ना। तुम साला इस सब में गड़बड़ करता है, मेरे को समझ में सब समझ में आता है मेरे को। हेलो हेलो बच्चन साहब। हाँ बच्चन बोल रहा हूँ। और सुनाओ क्या हाल है? माता रानी की कृपा है, सब ठीक है। तू बोल। बात कुछ खास नहीं, मैं हरिप्रसाद वेंकटेश के घर गया था और वहाँ पे उसकी माँ ने बताया कि हो सकता है कि हरिप्रसाद वेंकटेश योगेश सिंह के साथ हो, क्योंकि वो दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं। तो मैंने फिर वहाँ हरिप्रसाद वेंकटेश की माँ को मारा और वहाँ से निकल के मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ। मैंने सोचा कि आपको बता दूं। अले तू काम कर, तू जाके नायदू गालू को पकड़, पैसा ले और मेरे पास आ जा, ठीक है? बाय। तुम तो तुम डल गए? नहीं नहीं, हम नहीं, हम तुमको डला नहीं रहा था, हम तुमको ये बता रहा था। ये जो रजनी है ना, रजनी अभी टैक्सी में बैठा है, वहाँ तो फोन करता है, मैं टैक्सी में बैठ गया, ड्राइवर टैक्सी चला रहा है, दरवाजा बंद कर रहा है, ऐसा अभी तक योगेश को देखा नहीं और हमको फोन कर रहा है, ऐसा बात करेगा हम तो पागल हो जाएंगे। दादा क्यों नहीं कोड़ेगा, आप ही तो बोला कि हमको पोल को खबर देना है, इसलिए वो पोल को खबर दे रहा है। अभी वो इलेक्शन पोल को भी खबर देगा एक दिन, देखना। अरे हम बोला उसको, हमको इम्पोर्टेंट बात करो, तो अभी गल जाएगा कि बोलेगा मैं सो रहा हूँ, फोन करेगा, सुबह उठेगा हम उठ गया फोन करेगा, खाना खाएगा हम खाना खा रहे हैं, अरे ऐसा ऐसा बात करेगा, हमको तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा ना। ब्लड प्रेशर नहीं दादा, हमको तो लगता है कि आपको हार्ट अटैक कर देगा। अरे टुप टुप बोल, टुप टुप बोल, ऐसा नहीं बोलते। टुप टुप वो तो रात के टाइम में ट्यूबलाइट बोलेगा, अभी दिन में ट्यूबलाइट का क्या जरूरत है। ना ना, टुप 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 टुप, अत्ता बात कर, अत्ता बात कर। अच्छा अच्छा, मतलब शाप शाप। हाँ दादा, शाप शाप से एक बात याद रखे, एक सवाल करेगा आपसे, बुरा मत मानना। आप जो ये इतना क्लियर डिक्शन जो बोलता है, मीठा मीठा अल्फाज बोलता है, एकदम शाप शाप तलफ्फुज जो बोलता है, ये लैंग्वेज की जड़ का है, इंडिया का तो लगता नहीं है। ये हम ना अपना माँ का टोक में से सीखा। किधर से? माँ का टोक में से सीखा। माँ का कोक में से? कोक में से सीखा है। कितना अच्छा हीरा पैदा किया है माताजी ने, हम माताजी को प्रणाम करता है। मेरा माताजी मर गया है? ऐसा बच्चों पैदा करेगा तो माताजी तो क्या पिताजी भी मर जाएगा? मेरा पिताजी भी मर गया। पूरे बापरे, सुन लिया आपने दादा? ये आप सिर्फ बोलने में तो उतलाता है, छोड़ने में नहीं। सुनने को हमको पूरा क्लियर होता है, अभी क्या हुआ बता। दादा जो भी हो गया सब इनको सुनाओ। मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर, आज पूरे 2 दिन हो गए, न नायडू ने मेरा कॉल लिया और न उसने मुझे कॉल किया। हाँ कुछ बड़े कंसाइनमेंट की बात ज़रूर कर रहा था, लेकिन क्या कंसाइनमेंट उसने मुझे नहीं बताया। अरे योगेश, यही कंसाइनमेंट की बात अब दिल्ली तक पहुँच चुकी है, ऊपर से ऑर्डर्स है, या तो मैं नायडू को पूछताछ करूँ या तो फिर उसे अरेस्ट करूँ। बिल्कुल ऑर्डर्स तो होंगे ही सर, इसीलिए तो CBI को यहाँ भेजा गया है, मैं क्या समझता नहीं सर। अरे हाँ याद आया सर, आप होटल कोहिनूर गए थे? होटल कोहिनूर? होटल होटल क्या, होटल के नाम पर अय्याशी का अड्डा, लीगल इनलीगल लाइसेंस के साथ। बड़े बड़े मिनिस्टर होटल कोहिनूर जाते हैं, अन्ना शेट्टी नाम का कोई पावरफुल बंदा है, होटल वही चलाता है। अगर नायडू आपको कहीं ना मिले तो होटल कोहिनूर में जरूर मिलेगा, वहीं जाइए, वो वहाँ अक्सर आता है हर दूसरे दिन। अच्छा, मगर ये नायडू हमेशा होटल कोहिनूर क्यों जाया करता था? क्या सर, आप भी क्या सवाल करते हैं, अभी तो हम सब तो जवान हैं। तो है। वैसे तुम्हारा कोई आइटम या गर्लफ्रेंड? नहीं सर। अच्छा, ये भी कोई जिंदगी है, ना ठीक से पगार ना लड़की, तुम्हारा जीना ही तो खराब है। मतलब तुम तो धरती पे बोझ निकले। भाई साहब एक पान बनाना। ठीक है सर। वो पेपर दीजिए,
एक मिनट सर, ये लीजिए। अरे बाप रे, पेट्रोल का दाम फिर बढ़ रहा है। गैस 200 रुपये बढ़ाने वाले, खून चूस रहे ये लोग और हमें पता तक नहीं चल रहा। साहब कौन सा नेता अच्छा है, कौन सी पार्टी अच्छी है, किसको जीता है, इस पर भरोसा करे, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। लूट मची है साहब, लूट। ए, तेरे को कितनी बार बोला, चल दुकान बंद कर। हाँ हाँ सर, सर करता है, दो मिनट। हो गया साहब, ये लीजिए आपका पान। थैंक यू, ये लीजिए। जरा एक बात बताइए। हाँ साहब बोलिए। अच्छा यहाँ पे इतना भीड़ क्यों, सलमान खान आया क्या इस होटल में? अरे नहीं साहब, इस होटल के कमरे में एक पुलिस अफसर की लाश बरामद हुई है, इंस्पेक्टर नायडू। ऐसे लोग तो किसी अच्छी जगह थोड़ी मरते हैं, ऐसे ही जगह पर ही तो मर जाएंगे। रोज मेरे से सिगरेट लेके जाता था, उसका पैसा कभी नहीं देता था, अच्छा हुआ मर गया। उड़ी बाबा क्या दारुन, क्या बात है। तू क्या देख रहा है? सोनी लोयनी भैया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो हेलो बच्चन साहब। ओ रंजीतान, कैसे हो? और सुना क्या हाल है, सब ठीक? ठीक है, माता रानी की कृपा है, तुम बताओ तुम कैसे हो? बात कुछ खास नहीं बच्चन साहब, मैं हरिप्रसाद वेंकटेश के घर गया था ना, वहाँ जाके उसकी माँ को मारकर वहाँ से निकलकर मैं योगेश सिंह से मिलने गया, और योगेश सिंह से ये पता चला कि हरिप्रसाद वेंकटेश हर दूसरे दिन होटल कोहिनूर जाया करता था। सो वहाँ से फिर मैं होटल कोहिनूर आकर वहाँ से क्या बात करते हैं बच्चन साहब, हम सब अभी जवान है ना। हाँ, वो तो सब देखा होता है। लेकिन नायडू वो तो कोहिनूर में क्यों जाता है? ये तो मैंने पूछा नहीं, और इसके पहले कि योगेश सिंह इसका कुछ खुलासा कर दे, मैंने उसको गोली मार दी। तुमने योगेश सिंह को भी गोली मार दी? हाँ। अरे बच्चों का, जब तू पैदा हुआ था तेरी माँ ने तेरे मुंह में निप्पल की जगह रिवॉल्वर डाल दी थी, इसको देखो गोली मार देता है, इसने राजेश को भी मार दिया। बुढ़ी बाबा ये गड़बड़ हो रहा है। ए रजनीकांत जो है आपका 5 करोड़ के चक्कर में एक दिन पूरा इंदौर शहर को मार देगा, ये गोंडों को। मैंने तो तुमको बोला था कि नायडू को मार के मेरा 5 करोड़ मेरे को दे दो, ये तुम क्या कर रहे हो? बच्चन साहब बच्चन साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, उसने मेरी शक्ल देख ली ना, मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ, मारना तो पड़ेगा ही, उसको जिंदा कैसे छोड़ू मैं? ओ, क्या है कि उसने उसकी शक्ल देख ली थी ना, इसलिए रजनीकांत ने उसको मार दिया। अच्छा तो जिसका शक्ल देखता उसको मार देते, तो आपने भी तो उसका शक्ल देखा था, आपको कब मार रहा है वो? जब मैं तेरे को मार लूंगा ना, उसके बाद वो मुझे भी मार देगा। ये जो तुम्हारा है ना अच्छा आदमी, अभी फ्लॉप है, फ्लॉप है। अभी तुम किधर हो? बच्चन साहब इस वक्त मैं ठीक होटल कोहिनूर के सामने खड़ा हूँ, और आपको एक और पूरी खबर है। हेलो, हरिप्रसाद वेंकटेश मर चुका है। ये तो नहीं पता बच्चन साहब, बट जब मैं यहाँ होटल पहुँचा तो यहाँ पे काफी भीड़ और पुलिस वाले तैनात थे, और ये पता चला कि इंस्पेक्टर हरिप्रसाद वेंकटेश नायडू की मौत हो चुकी है। मगर माँ कसम है बच्चन साहब, मैंने इसको नहीं मारा, ये खुद ही अपनी मौत मर गया था। जाहिर बात है ये अपनी मौत मरेगा ही, जब मैंने तुमको बोला जिसको मारना उसको तुमने मारा नहीं, तुमने तीसरे चौथे दूसरे आदमी को मार दिया, इसको तो मरना ही था ना अपनी मौत। ए दादा अभी कौन मरा है? नहीं तो मर गया, लेकिन ये बोल रहा है अपनी मौत मरा है, मास्क खत्म कर रहा है कि उसने नहीं मारा उसको। अच्छा तो फिर ठीक है, क्योंकि क्या है कोई भी गुंडा अपना माँ का कसम तो ऐसा पोकट में नहीं खाएगा, कोई भी गुंडा, समझे भैया? ऐसा लगता है आज डाइंग डे। तो डाइंग डे क्या होता है? अरे जैसे वो लव डे, रोज डे, वैलेंटाइन डे होता है ना, वैसे ही डाइंग डे। तेरा डाइंग डे कब आएगा भैया? अरे भाई रजनी जाओ और पता करो कि नायडू के मरने के बाद मेरा 5 करोड़ किधर गया। वो तो मैं चला जाऊंगा बच्चन साहब, पर जैसे मैंने आपको बताया था ना होटल में सारे पुलिस वाले तैनात हैं,
अगर मैं अंदर जाके इंक्वायरी करूं और किसी ने मुझसे पूछ लिया कि मैं कौन हूं, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि मैं सीबीआई ऑफिसर हूं। फिर हो सकता है कि सारी बातें खुल जाएं। बाकी जैसे आपका होगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, ठीक है। बाल में गया पैसा, नायडू तो लाते से हट गया ना। तुम एक काम चलो, तुम वापस आ जाओ। वैसे भी यहाँ पर एक पार्टी है जिसमें होटल को इनोटे मधु आई है। ज्यादा दिमाग चलाते कोई मतलब नहीं है, तुम वापस आ जाओ। जैसे आप ठीक समझे बच्चन साहब। अन्ना शेट्टी से मिलना है। उसे कहो कि सीबीआई ऑफिसर रजनीकांत राव आया है। देखिए सर, आप सीबीआई ऑफिसर हो या कोई भी हो, वो आज इस होटल में पुलिस इंस्पेक्टर नायडू जी की डेथ हो गई है। इसकी वजह से अन्ना बहुत परेशान है, वो ऊपर अपने रूम में आराम कर रहे हैं। तो आप कल सुबह फिर आ जाइए। क्या क्या ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಮಾರ ಈ ಹೋಟೆಲ್ 20 ಸಾಲ ಪುರಾಣ ಬಡ ಬಡ ಲೋಗ ಆತಾ ಇದರ್ ಬಡ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಪುಲಿಸ್ ವಾಲಾ ಭೀ ಸಾಲ 20 ಸಾಲ ಮೇ ಪಹಿಲಿ ಬಾರ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇ ಮೌತ್ ಹೋ ಗಯಾ ವೋ ಭೀ ಸಾಲ ಏಕ ಪುಲಿಸ್ ವಾಲೆ ಕಾ बहुत डिस्टर्ब हो गया हम सर, आई एम शॉक्ड। इसलिए हम पूजा कर रहा था। जब हम पूजा करता है हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। चलो शहर में आग लग गया तो भी हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तूफान भी आता तो भी सलाम हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तुमने सलाम को डिस्टर्ब किया। हेलो कौन रे तू? सीबीआई ऑफिसर हूं। कौन? सीबीआई ऑफिसर। जिस किसी मिनिस्टर के भी गोद में बैठा होगा ना, वहां से तुम्हारी घोटियां पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा और जेल में डालूंगा और जिंदगी भर चढ़ाऊंगा, समझे? वो ताकत है मेरी। तो मारता क्यों है तू? चलो अन्ना, इससे पहले कि मैं तुझे अपनी गन्ना दिखाए, पूरी रामलीला बता दे। नायडू यहां पे क्यों आता था, किस लिए आता था, किसके साथ सोता था, किसके साथ उठता था, सब कुछ वगैरह वगैरह। वो नायडू साहब वो मल्लिका के लिए आता था। उसको सिर्फ मल्लिका ही चाहिए। जब से मल्लिका हमारा धंधे में आ गया, हमारा धंधा एकदम टॉप साहब। वो नायडू को मल्लिका से लव। ओ, लव स्टोरी। एक दूजे के लिए। चल मल्लिका को यहां हाजिर कर। कोई तो टेंशन है ना साहब, वो नायडू खलास हो गया तो मल्लिका तब से गायब है, मिलता नहीं साला। उसको फोन करो, फोन उठाता नहीं, एंगेज फोन। एक बात बताओ, ये नायडू के पास कोई सामान था क्या, कुछ बैग वगैरह? मेरे को नहीं मालूम। ठीक है,
जाओ अब मल्लिका का पता, फोन नंबर, तस्वीर, सारी चीजें ले आओ जाओ। आयो। ला 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 ला। फोटो 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 ला फोटो। देता ना सब। आइटम है। अन्ना, सारी जिंदगी तुमने लड़कियों को सुला सुला कर, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर, उनकी कमाई खाई है। ये सोच के ऊपर जाते वक्त अब तो क्या मुंह लेकर जाएगा। हेलो मिश्रा जी। हाँ रजनी सर, कैसे हैं? सब ठीक। अच्छा आप सुनाओ। बस आपकी दुआ महाराज, आप बताइए कैसे याद किया? मिश्रा जी एक अनऑफिशियल ट्रेस है, मैं एक नंबर भेज रहा हूँ आपको एसएमएस में, उसका एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। अरे सर भेजिए, 5 मिनट में पता करके बताता हूँ। थैंक यू मिश्रा जी। वेलकम। और सुनाइए क्या हाल, सब ठीक? अबे यार। अरे बच्चन साहब, प्रोग्राम तो जल्दी शुरू करवाइए, दिल बेचैन सा हो रहा है। कहते हैं ना तब कपल मीठा होता है। एकदम अच्छा बात बोला है। बोला तब बोलो बहुत मीठा मीठा फल मिलेगा। एकदम सत्य वचन है। दादा वो वाई दिस कोला वेडी कोला वेडी एक गान गाया है और सिंगर रजनीकांत का फोन है। कथा बोलो। हेलो हेलो बच्चन साहब। हाँ बोलो बाबू, क्या है? और सुनाइए क्या हाल है? हाल भी ठीक है, हाल भी ठीक है। तुम इधर आने वाले थे ना, तो क्या हुआ? बच्चन साहब बात ही कुछ ऐसी है कि समझ लो कि आपका 5 करोड़ सेव है और बहुत ही जल्द आपके हाथ में आ जाएंगे। हाँ दादा वो ठीक है, इसको बोलो आलतू फालतू लोगों को मारना बंद करे। चुप रह, अपने बात करे। तो इतने साल घुमाया हुआ है, उधर तू बोलता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए भाई साहब, ये मेरे 5 करोड़ कैसे मिलेंगे? बड़ी सीधी सी बात है बच्चन साहब, पहले मैं आपके घर से निकला और सीधा हरिप्रसाद वेंकटेश के घर गया था। वहाँ पर उसकी माँ ने बताया कि हरिप्रसाद वेंकटेश पिछले 3 दिनों से गायब है और शायद योगेश सिंह वो कहाँ है जानता होगा। तो मैं फिर उसकी माँ को गोली मार दी और वहाँ से योगेश सिंह से मिलने गया। योगेश सिंह से ये पता चला कि हर दूसरे दिन हरिप्रसाद वेंकटेश होटल कोहिनूर जाया करता था। तो मैं उसके बाद योगेश सिंह को भी गोली मार दी और यहाँ होटल कोहिनूर आ पहुंचा। यहाँ पहुंचते ही मुझे ये पता चला कि हरिप्रसाद वेंकटेश तो खुद की मौत मर चुका है, उसका हार्ट फेल हो गया था। ये बात दोबारा दोबारा क्यों बोलता है? चले हो जाओ। उठो उठो भाई साहब, आप एक बात दोबारा दोबारा क्यों बोलते हैं? आगे बोलो क्या हुआ। हाँ वही तो बता रहा हूँ बच्चन साहब, फिर मैं होटल कोहिनूर आया और वहाँ पे उसके मालिक अन्ना से मिला। हाँ अन्ना जो कहलाता है सबको करना, मैं जानता हूँ शुगर की। हाँ हाँ जानते तो होंगे, पर अब आपको उससे कोई खतरा नहीं होगा। मुझे तो पहले भी उससे कोई खतरा नहीं था, वो तो मेरा बिजनेस पार्टनर है, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है नहीं, अच्छा आदमी था, मैंने उसको भी गोली मार दी। की हुलो दादा, की हुलो की हुलो, अन्ना को भी मार दिया। अरे बाबा पागल हो गया है। हाँ बरोबर है।
हमारा हाथ गंदा हो गया। वो ताली रात जिसकी कभी तुम्हें नहीं हो सकती। कैंसर, कैंसर का इलाज हो सकता है लेकिन इसका इलाज नहीं हो सकता। दादा दादा थोड़ा कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। आराम क्या हुआ होगा? वो आना है ना, आना ने उसका शोकल देख लिया होगा। तुमने कहा था इनके जाना नहीं है ना, बता मैं क्यों भैया था? मैं उससे जाने को बोला था ना, तो कोई लूटा के अपना को मारने की क्या जरूरत थी? भैया अपने आप को संभालो प्लीज, सीरियसली ये आप क्या हरकतें कर रहे हो? अच्छा अरविंद भाई एक बात बताओ, अगर सुबह सुबह हिजड़ों के दर्शन हो जाए तो क्या ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है? दादा एक तो काम करेगा, हमारे तरफ से एक थप्पड़ और मारेगा इसको। दबित की माँ मिली थी ना तो मुझे बोल के गई थी कि अपने तोते भाई का ध्यान रखना। ए मेरा तोता भाई है। तोता तोते मैं बदलता हूँ, देख मेरे तोते भाई तू ये ताम तल। मैं तो तुमको कोई नहीं मान नहीं सकता, जब मैं तोला हूँगा ना वो एक पोल के अंदर तेज गोली मारना, मेरे कान पट्टी पर रखना और तेज की तेज गोली चला देना, क्योंकि मैं पांच गोली देने मरने वाला नहीं हूँ। भैया लेकिन मैं आपका भाई हूँ। तू पैदा होते मलती हूँ नहीं दया। एक मिनट देख तूने। अरे दादा साउथ का सुपरस्टार कौन है? रजनीकांत का फोन है। तुम तलो तुम तलो इतने बोल दो बच्चन तीर लेकिन पहले मर गया। ये वापस हैदराबाद चला जाए। दादा की गुंडोकल कोड़ा सब गड़बड़ हो जाएगा। अपना 5 करोड़ इसके पास में है, 5 करोड़ रुपया। इससे पूछो 5 करोड़ दादा किधर है? 5 करोड़ तुम तलो इतका ही पिकल ऑन कर। लदनी तान ताले। हेलो बच्चन साहब और सुनाइए क्या हाल है? माता देवी ती तिलपा है, तेली माँ को अपनी माँ बोलूंगा, तेली बहन की जय बोलूं। तू एक बात बता, ए पान तलोल मेला, पान तलोल। हाँ वही बता रहा था, मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये पता चला कि इस होटल में मल्लिका नाम की एक लड़की है, और जब से हरी प्रसाद वेंकटेश मरा है ये लड़की भी गायब है। मेरे को लगता है कि ये लड़की आपके 5 करोड़ लेके कहीं जा रही है। मदल भाई लंदी तान तुम मल्लिका तो ढूंढू देते थे। मैंने इसका मोबाइल नंबर ट्रेस कर लिया है, ये किसी का फोन नहीं उठा रही, पर इसका लोकेशन पता चल गया है। ये भानपुर गाँव की रहने वाली है और फिलहाल हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर है। लगता है शायद वो ट्रेन पकड़कर भानपुर जाने के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन ये जो गांव है छोटा सा गांव है, यहाँ पर सोता था रेलवे स्टेशन है, यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है, तो ट्रेन में क्यों डाल रही है? शायद इसके गांव के लिए कोई फ्लाइट ना हो। क्या बच्चों जैसे सवाल कर रहे हैं बच्चन साहब। भैया मेरा दिल कहता है अपने 5 करोड़ इसी लड़की के पास है, बाकी आपकी इच्छा। तू एक दम तल ए बात मेरे कान के अंदर घुस के अंदर जाके बोलना, सुनाई दे रहा है ना मेरे को? इधर इधर क्या आ रहा है भाई? रजनी खान तुम बॉस, तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। मैं तो पहले ये स्टेशन चला जाऊंगा और वहां पर इस मल्लिका मैडम को ढूंढूंगा, और अगर ये लड़की वहां से इसकी गांव भानपुर निकल चुकी है तो मैं दूसरी ट्रेन से उसके गांव तक जाऊंगा, और अगर इसकी ट्रेन निकलने वाली है तो मैं भी किसी तरह इस लड़की के साथ हो जाऊंगा। इस लड़की के पास पैसे है बच्चन साहब, इसे कोई पब्लिक प्लेस या रेलवे स्टेशन में मारकर इससे पैसा छीना नहीं जा सकता। थोड़ी देर इसके साथ मुझे जाना ही पड़ेगा। देखो उनको जितना दूर इसके साथ जाना था मैं मना नहीं करता, लेकिन इसको पहले मारना नहीं, पहले पैसा लेना उसके बाद माल देना, पहले मत मारना। वैसे भी अगर एक लड़की दुनिया से चली गई तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ओके।
आप कितने बजे से यहाँ पे ड्यूटी पर है? सर मैं यहाँ शाम 6 बजे से हूँ, बताइए। सर बताइए सर, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपके? चाय या ठंडा लेंगे सर? आइए आइए अंदर आइए। शाम 6 बजे से लेकर अब तक जिसने भी भानपुर गांव के लिए टिकट ली होगी आप ही ने दी होगी ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने, भानपुर जाने वाली गाड़ी सवेरे 7 बजे आएगी। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये लड़की यहाँ आई थी? अरे हाँ सर, मैंने इसी को टिकट दी थी, ये लड़की अभी अभी यहाँ से गई सर। ठीक है सर, तो इसी ट्रेन में मेरा भी एक टिकट बनवा दीजिए, ठीक इस लड़की के बोगी में। जरूर सर, अभी लीजिए, वैसे भी पूरा कोच खाली जाता है, भानपुर जाने वाली सवारियां बहुत कम है सर। क्या सर? नहीं आपको नहीं, आप भी सरकारी नौकरी करते हैं और मैं भी। अच्छा ये एक बड़ी सीक्रेट मिशन है जी। और इसके बारे में अगर किसी को भी आपके तरफ से पता चला तो आपको जेल वेल तो नहीं होगी, पर आपके कीमती वक्त को बर्बाद करके हैदराबाद कोर्ट तक आना पड़ेगा हर हफ्ते। अरे बिल्कुल नहीं सर, मैं तो काम धंधे वाला आदमी हूँ सरकार। गुड बॉय। ए बहन बहन, हुशियारपुर वाली गाड़ी निकल गई क्या? पता नहीं भाई साहब। लो हुशियारपुर वाली गाड़ी का किसी को पता ही नहीं। कैसी है मलिका? मैं ठीक हूँ, माफ कीजिए मैंने पहचाना नहीं आपको। लो अब तो आप ये भी बोलेंगी कि आप अन्ना शेट्टी को नहीं पहचानती? नहीं अन्ना को तो मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, पर आपको पहली बार देखी। वो इसलिए क्योंकि मैं होटल कोहिनूर सिर्फ 2 ही बार गया हूँ, और वहाँ पे वो लड़की भी हुआ करती थी पतली सी मधु। हाँ मधु वही उसका नाम है। अन्ना के साथ मेरा बहुत ही अच्छी जान पहचान है, आपके बारे में तारीफ भी बहुत करते हैं, पर कभी मुलाकात नहीं हुई। अन्ना की पहचान किससे नहीं है बोल। बाय द वे नाम क्या है आपका? रजनीकांत, रजनीकांत राव। रजनीकांत? इस हिसाब से तो पूरी दुनिया आपको जानती होगी, काम क्या करते हैं आप? मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ और एक केस के सिलसिले में भानपुर तक जा रहा हूँ। मुझे एक कॉल करना है। एक्सक्यूज मी। Thank you.
बच्चन साहब हदी हो गई है। ना लड़की है, ना गाना है, ना बजाना है, ना पार्टी है, बस बैठे हैं हम। कब तक बैठे या जाएं फिर? हाँ अभी क्या बोल रहा है? हेलो बच्चन साहब, और सुनाओ क्या हाल है? कृपा तो है ही। वैसे पार्टी कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है। मेरे घर के अंदर चार बेडरूम है, हर बेडरूम के अंदर आठ लड़की है। इसने कोई कपड़ा नहीं पहना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से वाले कमरे में जाऊं। आप वैसे पार्टी कर रहे थे ना, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा, बात ऐसे कुछ खास नहीं है। मैं हरि प्रसाद वेंकटेश के घर गया था, वहां से उसकी माँ से मिला। उसकी माँ ने मुझे बताया कि इंस्पेक्टर योगेश सिंह शायद जानता होगा कि ये 3 दिन से कहाँ गायब है। तो फिर मैं वहां से योगेश सिंह को मिलने गया, पर उसके पहले उसकी माँ को गोली मार दी। और योगेश सिंह को मिलकर मैंने ये पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने बताया कि हरि प्रसाद वेंकटेश शायद होटल कोहिनूर में हो सकता है, क्योंकि वो हर दूसरे दिन वहां जाया करता था। तो उसके बाद मैंने फिर योगेश सिंह को भी गोली मार दी। फिर वहां से निकलकर मैं होटल कोहिनूर चला गया, और वहां पहुंचते ही मुझे ये पता चला कि हरि प्रसाद वेंकटेश खुद की मौत मर चुका है, उसका हार्ट फेल हो गया था। फिर उसके बाद मैं होटल कोहिनूर के अंदर गया और वहां पे अन्ना शेट्टी से मिला, और फिर अन्ना शेट्टी से मैंने मल्लिका का पता और तस्वीर लिया। उसके बाद मल्लिका को ढूंढते हुए यहाँ हनुमानगढ़ स्टेशन तक आके पहुंचा हूँ और उससे मिल चुका हूँ। देखो, नायदू की माँ को मानने से लेके मल्लिका को मिलने तक ये कहानी मुझे लगता तुम किसी घटिया टीवी चैनल के रिपोर्टर हो। पर बच्चन साहब, आप ही ने तो कहा था ना मुझे कि हर पल पल की खबर देते रहो। ठीक है बच्चन साहब, जैसे आपकी इच्छा। नहीं बच्चन साहब, ऐसे पूछते हुए आप कोई टीवी चैनल के न्यूज रिपोर्टर जैसे साउंड कर रहे थे। अच्छा, मैंने अभी अभी मल्लिका को मारने की कोशिश की। वो एक सुनसान जगह पर किसी से फोन पर बात कर रही थी, मैंने गोली मार दी, पर किसी साइकिल वाले को लग गया। अरे बाबा, साला ये आदमी के क्या है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। साला कभी हवाई जहाज वाले को मार देता है, तो कभी साइकिल वाले को मार देता है। क्या कर रहा है गोंडूगोल? हाँ बच्चन साहब, पता नहीं वो बिल्कुल मल्लिका के पीछे ही खड़ा था, मैंने गोली मार दी और मल्लिका का फोन गिर गया। वो फोन उठाने के लिए नीचे झुकी और पीछे साइकिल वाले को लग गया। नाजायज औलाद है, इसको मानना उसको मानता नहीं है। भैया क्या ये रजनी भाई उस लड़की के गांव साइकिल पर जाने वाला था? भैया मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा था बस। एक बात बता भैया,
क्या सुबह तक पूरे साइट को खत्म कर देगा? अरे खतरे के काम के लिए तेरे को भेजा है, वो कुछ काम करता नहीं है, ऐरा गैरा नक्कू को गोली से मार देता है। नहीं बच्चन साहब, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप ही के तो काम पर तो लगा हूँ मैं। आप मेरे काम में लगा हुआ है। ना तूने नायडू को मारा, ना तूने मलिका को पकड़ा, उससे मैंने 5 करोड़ लिया, ना मेरे को दिया। अरे तेरे दूसरे कितने लोगों को मार देता है जिनका इस मैटर से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ऐसा काम और ऐसा फोन करके तुम आते जैसे तेरे को हॉलीवुड का ऑस्कर अवार्ड मिला हो। और बगैर मेरे पूछे मारता है। बगैर आपसे पूछे मैं मार देता हूँ। हाँ भैया, दारू लेके आता। ठीक है बच्चन साहब, अब मैं वादा करता हूँ बिना आपसे पूछे मैं कोई गोली नहीं चलाऊंगा। और हाँ बच्चन साहब, याद रखना मैंने आज तक अपने दिल से किसी को नहीं मारा, वरना वो जो टिकट बना के दिया ना वो टिकट ऑफिसर, बड़ा दिल कर रहा था मेरा कि मैं उसे मारूं, मगर मैंने वैसा किया नहीं। क्यों? आपसे वादा किया था बस इसीलिए। सुन भाई, जिस काम के लिए गए हो ना, दिल पो काम कर लो, उत्ते पे ध्यान दो। लड़ती तो पतलो, उत्ते बैद लो, मेरा 5 करोड़ लाके मुझे दे दो। मुझे बर्बाद मत करो, वैसे भी मैं पागल हो गया हूँ। अरे भैया, पागल हो गया हूँ। हाँ, वही कर रहा हूँ बच्चन साहब, मगर बहुत बुरी लगी आपकी बात, मुझे याद रखिएगा, छुप गई है दिल में। अरे कहाँ चले गए थे आप? वो मैं भी एक फोन करने गया था। और सुनाइए गजोदर जी, कैसे हैं आप? गजोदर, मेरा नाम रजनीकांत है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम अपने ग्लेव्स यानी कि चश्मे ऐसे 2 मर्तबा हाथों में घुमाकर पहनते हो? मैं 2 मर्तबा घुमाकर क्यों पहनूंगा, मैं तो सीधा पहनता हूँ। काहे के रजनीकांत हुए यार तुम, किस बात के रजनीकांत हुए? बोल। अगर तुम सारा सुंग सुंग के मजा ले रहा है दूर। हाय एकदम ताजा रसगुल्ला लोग रही है उड़ी बाबा। ए बच्चन दादा, ए रजनीकांत आ गया, साला पकड़ा तो मैं, नशा हमको हो गया। ए मधु आया, मधु मधु। अंग अंग तेरा रंग रचा के ऐसा करूं श्रृंगार, जब जब झांझ झनकाऊं मैं घन के मन के कर ले।
खेलना हाँ मेरा शौक है, मेरा जो इश्क है बड़ा बेखौफ है, शोलों को दे हवा तेरा जो हुस्न है, जीने का ले मजा ये एक जश्न है, बढ़ने दे जहर होने दे कहर हदे पार कर ले 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 ले। सलामी सलामी ले दिल की सलामी, टाइम टू रॉक एंड पार्टी लिख नई कहानी, सलामी सलामी ले दिल की सलामी, टाइम टू रॉक एंड पार्टी लिख नई कहानी। मुझे न लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, मुझे न लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, तुझे मैं तुझे मैं तुझे होठों से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। पिघलता है तन उबलता है मन, होठों की नरमियां तेरे लिए सनम, hey baby can't you see what you're doing to me, you're my reality so come on come to me, life है छोटी सी honey you and me, आओ प्यार कर ले 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 ले। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा मलिका जी। ये जी को हटा के आप सीधे सीधे मलिका भी बोल सकते हैं, पूछिए क्या पूछना है। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं मेरा चश्मा सीधा ना पहनकर उसको दो तीन बार घुमा कर पहनता हूँ, और इसका मेरे नाम से क्या ताल्लुक? अच्छा एक बात बताइए, जब ग्रहम बेल ने टेलीफोन का इजाद किया था तब आप थे वो पहले इंसान जिन्होंने उनके टेलीफोन पर मिस कॉल दी थी, और वो भी दो दो? कैसे बातें कर रहे हैं, ग्रैम बेल तो इतना पुराना आदमी है और मैं तो बस 32 साल का हूँ। अच्छा, आपके टीचर जब आपको 150 प्रश्न देते थे एग्जाम्स में और ये बोलते थे कि किन्हीं भी 100 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, आप पूरे 150 प्रश्न के उत्तर देते थे और अपने टीचर से ये बोलते थे कि ये ना रास्कला किन्हीं भी 100 उत्तर को चेक कर लो। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे बारे में आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, मेरे टीचरों के साथ तो मैं ऐसा बात करता ही नहीं और फिर उल्टा मैं तो फेल होता था यार। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप रजनीकांत हैं। एक सेकंड। लो नहीं, देखो नहीं, नहीं, नहीं। रजनीकांत हूँ मैं मानने को तैयार ही नहीं। मगर क्यों, वजह क्या है? एक बात तो बताओ कैलाश। कौन कैलाश, मैं तो रजनीकांत हूँ। बात तो सुनो, क्या तुम रस्सी से प्लेन को बांध कर उस रस्सी को अपने दांतों से पकड़ कर उसको खींच के यहाँ ला सकते हो? किसी का बाप भी ऐसा नहीं कर सकता। आप नशे में तो नहीं है, क्या बातें कर रहे हैं? नहीं मैं मान ही नहीं सकती कि तुम रजनीकांत हो। छोड़ दो ये सारी बड़ी बड़ी बातें करना, छोड़ दो तो। बहन, ये हुशियारपुर जाने वाली गाड़ी निकल गई क्या? मेरे भाई, आप टीसी से क्यों नहीं पूछ लेते, क्यों बार बार अपनी प्यारी सी नींद को तोड़कर उठ रहे हो? टीसी से ही तो पूछा था, उसी ने बोला कि आज गाड़ी 8 बजे जाएगी। तो 8 कहाँ बजे हैं अभी? 8 नहीं बजे अभी, अमेरिका में बज गए होंगे। क्या बात करती हो बहन, ये अमेरिका थोड़ी है। तो मेरे भाई जब पता है तो क्यों पूछ रहे हैं? भाई साहब, आप मुझे बताएंगे कि शियारपुर वाली गाड़ी कब आएगी? हाँ भाई, इसीलिए मुझे यहाँ पे बिठा हुआ स्टेशन मास्टर ने तुझे टाइम बताने के लिए। लेट के सो जा चुपचाप। तेरा भला हो भाई।
साला मल्लिका, आप मेरी खिल्ली उड़ा रही हैं। नहीं, ये धरती नहीं घूमती राजेंद्र, असल में आप पुशअप्स कर रहे होते। बकवास। अच्छा, कुछ पूछना था आपसे। आप पहले से इस धंधे में अन्ना के साथ? नहीं जॉनसन। जॉनसन, मैं तो रजनीकांत हूँ यार। मैं अपने शहर भानपुर में न्यूज़पेपर फेंका करती थी सबके घर। हाँ, पर फिर क्या, जिन जिन के घर पे न्यूज़पेपर फेंका करती थी वो लोग बोलते थे कि हमारे घर के अंदर आओ और पूरा पेपर पढ़ के सुनाओ। अच्छा, फिर? अरे फिर क्या, पढ़कर सुनाना पड़ता था। मैं पानी लेकर आती। सो जा, तू सो जा, जब ट्रेन आएगी तब उठा दूंगी तुझे, चल सो जा। ये भी ठीक है। बच्चन साहब, अब गाते वक्त तो नहीं तोतलाते? हाँ, तौली पता क्यों? क्यों? वो इतने एक टाइम पे ना एक लड़की गाना गा रही थी, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, उसकी माँ ने उसको बहुत मारा। क्यों? क्योंकि लड़की तोतली थी। अन्ना मर गया, अन्ना मर गया। ये अन्ना को किसी ने गन्ना नहीं दिया, ये अन्ना को किसने मारा? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, और होटल में इतनी सारी पुलिस है कि अब होटल कम और पुलिस स्टेशन ज्यादा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि किस कमीने ने अन्ना को मारा। हेलो, इनका तो डबल है ना, डबल इज देयर, जल्दी कर का फोन है। एक काम करो, तुम वापस होटल चली जाओ। हां, क्योंकि ये इतना बात करता है मेरे बेटे का बेटा ट्राई कर लेगा, तुम जाओ। भैया, आप कहें तो पहले मैं मधु के साथ, तब तक आप रजनी भाई को निपटा लो। ए, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? ए, यू टचअप अंधे हो गया, यू डो फ्रॉम हियर। मुझे होटल नहीं जाना, मैं रूम में चेंज कर लेती हूँ, ओके? आ जाना। आ तो जाऊंगा, लेकिन कमीने को तो पहले डील कर लूं, ताला। हेलो? हेलो, बच्चन साहब, सुनाओ क्या हाल है? माता रानी की मेल है, तुम बताओ तुम कहते हो लल्दिंतान? बच्चन साहब, लगता है ये लड़की पागल है, मुझसे बड़ी अजीब और गरीब सवालात करती है। वो गरीब सवालात तुम्हारे बताते हैं? पहले तो ये मेरे नाम से मुझे पुकारती नहीं है, बोलती है मैं रजनीकांत नहीं हूँ। तुम रजनीकांत नहीं हो तो तुम कौन हो? भैया, लगता है ये जैकी चैन है और रजनीकांत बनकर हमको बेवकूफ बना रहा है। अरे कुत्ते के बच्चे को तुम्हारा धंधा। भैया, लेकिन मैं तो आपका भाई हूँ। तेरा मतलब मैं कुत्ता हूँ? मैंने ऐसा कब? अरे इसको धंधा नीचे बुलाया ताले को। ए दादा, क्यों भौंकता है? हम खास आदमी है, खास चीज देखने में बिजी है, हम खास काम कर रहा है। अपना इस कुत्ता जैसा भाई को किधर और भेजो, हैं? हमें डिस्टर्ब करबे ना। चला यहां से, सोने लो। किसका लैपटॉप है? एक खराब खराब चीज दिखा रहा है। तुम्हारा लैपटॉप है? सब खराब चीज दिखा रहा है। हम तो सोनी देओल का पिक्चर देखने लगा था, ये सोनी लोनी का किधर से लग गया? गोदड़ पिक्चर देख रहा था, गोदड़ पिक्चर, ये चादर पिक्चर किधर से आ गया? हम साला ताल में काला बहुत बार सुना, ए ए साला कपड़ा में काला पहली बार देखता है। तुम भी अपना दादा जैसा है साला। हम खास आदमी है, हमको बदनाम करता है? ए, लैपटॉप हमारा नहीं है। अच्छा मुझे ये बात तो पता, वो जो लड़की है वो तेरे को रद्दी तक क्यों नहीं समझती? बच्चन साहब, पता नहीं, या तो ये लड़की पागल है या तो बहुत ही ज्यादा समझदार। पूछती है कि क्या मेरे चश्मे में सीधा ना पहनकर उसे दो तीन बार घुमा कर पहनता हूँ, और बोलती है कि अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, जिसने दुनिया का सबसे पहला टेलीफोन इजाद किया था, मैंने उसको 3 मिस कॉल दिए थे। और तो और पूछ रही है कि क्या मैं प्लेन को रस्सी से बांध कर, उस रस्सी को मेरे दांतों से पकड़ कर उसे खींच कर यहाँ ले आ सकता हूँ। ये जो लड़की है ना, ये तेरे को बेवस्तूत बना रही है, बेवस्तूत। ऐसी क्या है जो तू है वो लड़की समझ नहीं रही, और जो तू समझ रही है ना वो तू नहीं है।
जो तू तमल ले ना वो लड़की नहीं तमल ली, और जो लड़की तमल ली है वो तू नहीं तमल ला, यानी कि वो तो तमल ली वो तू नहीं तमल ला, तमल इसका बेहतर आइडेंटिटी क्राइसिस। अब तू तमल गया ना। बच्चन साहब आप कहना क्या चाह रहे हैं, असल में मैं कौन हूं? देखो मैं तो रजनीकांत हूँ ना, यानी कि गन। हाँ रजनीकांत, रजनीकांत का कोई भी नहीं है। हाँ तू रजनीकांत है, रजनीकांत हाँ पक्का रजनीकांत है। वो जो लड़की है ना वो बेवकूफ है, वो बिल्कुल बेवकूफ है। बच्चन साहब ऐसे लग रहा है कि कोई उस लड़की का बैग चुरा कर भाग रहा है। वो बैग चुरा कर भाग रहा है और तू सामने कला मेरे पास तेलुगु में बात कर रहा है। तू भागो उसके पीछे भाग और बैग को पकड़ ले, और बैग को लेने के बाद में उसको टूट कर दे, टूट कर दे, जिंदा नहीं बचना चाहिए, सीधा टूट करना। रोक रोक। अबे क्या हुआ, बम फटा क्या? रुक जा, रुक, 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 रुक जा, ए रुक, रुक जा साले वरना गोली मार दूंगा। आपको क्या चाहिए भाई साहब? वो बैग, जिस बैग के पीछे मैं सुबह से लेके भाग रहा हूँ, बोले कि तू भाग रहा है। यानी कि ये बैग? एक बैग को ठीक से नहीं संभाल सकती और मुझे दूसरे तीसरे नाम से बुलाती है। अब दिखाता हूँ सारी को। क्या कहाँ भाग रहे थे तुम? कोई मुजरिम देख लिया था क्या? कहाँ भाग रहे थे मतलब? वो आदमी तुम्हारा बैग लेके भाग रहा था ना, उसका पीछा कर रहा था मैं। बैग लेके भाग रहा था? कौन सा बैग लेके भाग रहा था? ये वाला। एक मिनट। ये रहा मेरा बैग, देखो। मैं ना कहती थी जोरावर, तुम रजनीकांत हो ही नहीं सकते। क्या है इस बैग में, झटका क्यों लगा तुम्हें? वो ये आपकी काम की चीज नहीं, वो हमने क्या जिसका बैग है मैं उसे लौटा क्या था। आप इतनी जोर से क्यों भागे चंद्रकांत? होशियारपुर वाली गाड़ी निकल गई क्या? छी, सो जा। अरे बैग में क्या है संदीप, वो तो बताते जाओ। बैग का नहीं बता रहा देखो। और तुझे नींद में भी पता लग जाता ना तेरे आसपास क्या हो रहा है? नहीं मैंने तो उनके भागने की आवाज सुन के जाग गया। अच्छा तो इसी आवाज में तुझे पता लग जाएगा कि होशियारपुर की गाड़ी कब आ रही है, तो उठ जाइयो तू। जिसको देखो मुझे सुलाने पे ही लगा है, मैं सो ही जाता हूँ। बड़ी प्यारी नींद लगी। पत्तियां बुदा दो ते नींद नहीं आती है, पत्तियां बुदाने वाली दाने तब आऊंगी। हेलो हेलो बच्चन साहब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ बच्चन साहब, बड़े थके हुए सुनाई दे रहे हो। मैं तो क्रिकेट का मैच खेल रहा था। क्रिकेट का मैच इतनी रात के, अब तो सुबह होने वाली है बच्चन साहब। नाइट मैच था। अच्छा तो एक बात पता, एक को जो काम दिया था वो दिया, वो बैग मिला के नहीं मिला? हाँ बच्चन साहब वो एक छोटी सी गलती हो गई। हाँ ये मानता हूँ कि ये गलती मेरी है, पर इस गलती में थोड़ी सी गलती आपकी भी शामिल है। अबे उन गलती के पुतले, गलती तूने क्या किया ये बता। वो मैं उस टाइम बात कर रहा था और फिर मैंने एक आदमी को देखा कि एक बैग लेकर जा रहा था, मैंने सोचा कि ये आप ही की बैग है। मैंने बताया तो आपने बोला कि उसको रोक, वो बैग ले और उसको मार दे, तो मैंने उसका पीछा किया।
और उसे बैग लिया और उसको मार दिया। फिर मैं जब वापस आया तो मुझे ये पता चला कि मल्लिका का बैग तो मल्लिका के पास ही है जिसमें आपके पैसे हैं। ये तो हूबहू ऐसी ही एक बैग था। पर इस बैग में कॉन्डम्स थे। वो शायद एक कॉन्डम्स बेचने वाला सेल्समैन था, बस पकड़ने के लिए भाग रहा होगा। आपने उसको गोली मार दी होगी। हाँ बच्चन साहब, यही छोटी सी गलती होगी। एक बात तो पता ताले, तुम्हें से एक बात आदमी को मारना है, पुलिस तेरे को पकड़ नहीं लगी, आज पुलिस कुत्ती पे है क्या? क्या बच्चन साहब ऐसी बोल रहे हैं आप, मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ ना, हर काम बड़ा सफाई से करता हूँ। घंटे का सीबीआई ऑफिसर, सफाई का काम करता हूँ। एक छोटा सा काम किया था मेरे पास करोड़ का बैग लाने के लिए, वो तो किया ही। सुबह आदमी से आदमी मारे जा रहा सबको मारे जा रहा हूँ। हाँ। मैं दुनिया में नहीं रहूंगा। फिर कहाँ रहोगे? मैं बाथरूम में रहूंगा। क्या? मैं हर काम बाथरूम में करूंगा। मैं बाथरूम में ताना खाऊंगा, बाथरूम में पानी पीऊंगा, बाथरूम में सोऊंगा, बाथरूम में दगूंगा, बाथरूम में तब काम बाथरूम में करूंगा। मैं बाथरूम वाला मैं ताल के बराबर ये दो टांग वाला मैं बाथरूम वाला। बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं बाथरूम वाला हूँ। बच्चन साहब, सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। अब मैं जाऊंगा, उस मल्लिका को ठोकूंगा और वो बैग लेकर बच्चन साहब के मुंह पे मारूंगा। मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है मुजफ्फर, मैं खुद गोली खाने तुम्हारे सामने आ गई। चलाओ गोली। मरेगी तू जरूर साली, चाहे तू मुझे मुजफ्फर कहें या चौधरी। सुबह से लेके तुम लोगों ने बहुत परेशान कर चुका है मुझे। ये जो बैग लेकर तुम भाग रही हो ना, इसमें जो पैसे हैं ये तुम्हारे बाप के नहीं है। चल बैग लौटा और मैं तुझे आसान मौत दूंगा। अच्छा चॉइसेस भी दे रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंभुनाथ। ए शानी, आराम से आराम से, पहले मेरे मोबाइल में तो देख लो मैंने तुम्हारे लिए सेफ क्या करके रखा है। क्या मतलब? देखो देखो, आपने शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस देखी है? उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा डायलॉग मारा गया है, ये मोबाइल फोन्स ने हमें हमारी माँ बहन से मिलवा तो दिया है, लेकिन उसी मोबाइल फोन ने हमारी माँ बहन भी एक कर दी है। टेक्नोलॉजी रॉक्स। आप जब उस आदमी से बैग छीन रहे थे उसको गोली मारने के बाद, मैं दूर खड़ी होकर ये सब नजारा इसी मोबाइल फोन में कैद कर रही थी। और तो और, ये वीडियो मैंने अपनी फ्रेंड मधु को व्हाट्सएप के जरिए भेज भी दिया है। टेक्नोलॉजी रॉक्स अगेन। और उसको ये भी बोल दिया कि अगर मैं भानपुर सही सलामत नहीं पहुंची तो ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा दे। बाय द वे, ये वही मधु है जिसके साथ आप होटल कोहिनूर में दो बार बैठ चुके हैं। यही झूठ बोला था ना आपने? जब आपने मेरे इस झूठ में हामी दी थी उसी वक्त बाहर जाकर मैंने मधु को कॉल लगाया। हेलो मल्लू, कहाँ है तू? क्या हुआ, तू इतनी डरी हुई क्यों है? सब ठीक है ना वहाँ पर? नहीं, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। अन्ना को किसी ने गोली मार दी है। और यहाँ पे होटल में पुलिस ही पुलिस है। अन्ना को गोली मार दी? एक काम करती हूँ, मैं ना बच्चन साहब के घर जाती हूँ। और तुम्हारे टिकट का क्या हुआ? टिकट मिल गई? हाँ मिल गई है, और निकल जाऊंगी शायद थोड़ी देर में। अच्छा मधु एक बात बता, क्या तू किसी एक लंबे चौड़े आदमी को जानती है जिसकी मूछें हैं, सीबीआई ऑफिसर है और उसका नाम रजनीकांत है? वो कह रहा है कि वो तेरे साथ दो बार बैठ चुका है। रजनीकांत? नहीं तो, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती, वो भी सीबीआई ऑफिसर।
नहीं। हाँ क्या? आज अन्ना को भी एक सीबीआई ऑफिसर मिलने आया था। और जिस तरह का हुलिया तू बता रही है ना, उसका बिल्कुल ऐसा ही था। और तो और आज सुबह मैंने बच्चन साहब के घर पे उसी को देखा। बड़ा घूर रहा था मुझे। और इस तरह मुझे पता लगा कि अन्ना को भी किसी ने गोली मार दी। मैं जब ये पैसों का बैग लेकर निकली थी, सबसे पहले मैं नायडू सर के घर पहुंची। वहां जाकर मैंने देखा कि उनकी माँ को भी किसी ने गोली मार दी। मैं तभी समझ गई थी कि इन पैसों के बैग के साथ साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत भी चल रही है। पैसा बहुत ही कमीनी चीज है। पैसा सब कुछ है इस दुनिया में। पैसा ही भगवान है, क्यों मानते हो ना? मानता हूं। अन्ना और नायडू सर की माँ को आप ही ने मारा था ना? हाँ, मैंने ही मारा था। जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। ये पैसा जिस किसी का भी है, अब ये मेरा है, मेरे पास है, मुझसे इसे कोई नहीं छीन सकता। होटल कोहिनूर में एक कहावत है जो सिर्फ मेरे लिए ही कही जाती है कि अगर मैं किसी को एक बार डस लूं, तो मैं उसे मारती नहीं, तड़पा तड़पा कर, बेबस करके अपने ही पास रखती हूँ, जिंदा रखती अपने ही पास हूँ। जाने नहीं देती, जाने के काबिल रहता ही नहीं वो बेचारा। नायडू भी मेरे ही पास रहता था। मैं सोच ही रही थी कि इतना भारी बैग पैसों से भरा हुआ मैं अकेले कैसे लेके जाऊंगी। अब इसे तुम लेके जाओगे, संभालोगे मेरे लिए। मुझे इन पैसों की सुपारी है, तुम्हें मारने की सुपारी है। तो मैं पूरा पैंक खिला देती हूँ तुम्हें। देखो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक ये कि ये पैसा तुम लो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, गोली मारो, ये बैग लेके जाओ, जिस किसी का भी है उसको लौटा दो, लेकिन बचोगे तुम भी नहीं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता ये कि इस बैग में से 1 करोड़ रुपए निकालो, लो चले जाओ, मुझे भूल जाओ, और अपने बॉस से कह देना कि लड़की भाग गई पैसे लेकर। मैं वेटिंग एरिया में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मौके आप मुझे नहीं दे सकते बद्रीनाथ, मैंने आपके पास कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। आइए बैठिए, मैं जानती हूं आप क्या सोच रहे हैं, मेरे पास एक प्लान है। प्लान कुछ सॉलिड बताना मलिका। ये पैसे जिनके वो बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ है, वरना इतने सारे पैसों का भरोसा नायडू जैसे ऑफिसर पे क्यों करे? और वो भी वो पुलिस वाला जो पैसों के नाम पे बदनाम है। प्लान सुनिए, प्लान ये। अरे क्या मजाक लगा रखा है, पिछले 15 साल से उस एरिया में धंधा कर रहा हूँ, आज तक मैंने कभी किसी को कोई गलत चीज ना खरीदवाई है ना दिलवाई है। मेरा नाम मनोज गुलाटी है और पूरा एरिया जानता है कि मनोज गुलाटी ने आज तक कभी गुलाटी नहीं मारी है। रही बात उस लड़का लड़की की, तो मुझे नहीं लगता कि वो शादीशुदा है। मुझे तो वो झूठा शादी का सर्टिफिकेट दिखाया था उन्होंने। आप यकीन नहीं करोगे, आजकल की जनरेशन भी पता नहीं अपनी आग बुझाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकते। भाई साहब,
हाँ हाँ बोलो बोलो सुन रहा हूँ मैं। मनोज जी। जी जी बहन, जी बहन बीच में आके बैठे ना, इत्मीनान से बात कीजिए। हाँ बोलो बोलो। हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ मैं। भाई भाई सरकार 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 जगह दो जगह दो। हाँ बोलो। सरकार आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले महीने ऐसे ही एक सो कॉल कपल को मैंने घर दिलाया था। फिर क्या, अरे वो लड़का हरामजादा लड़की को प्रेग्नेंट करके भाग गया। जमाना ही ऐसा भाई, क्या करे। और तो और उसके खर्चे मैंने उठाए अपनी पॉकेट से, और उसके माँ बाप ने आकर 10 जूते मारे वो अलग। हाँ एक काम करो आप, उस लड़का लड़की का नंबर ना मुझे दो, मैं खुद उससे बात करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करता हूँ। हाँ एक मिनट एक मिनट। हाँ पेन पेन दो ना, पेन दो ना। हाँ, 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 ये लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ एक मिनट होल्ड करो। झुक जाओ ना, नंबर लिखना। बोलो बोलो। 9870 4137 86। ठीक है ठीक है, मैं उससे बात कर लेता हूँ और बात करके आपको कल फोन करके बताता हूँ। हाँ समीर भाई, मैंने कहते थे कि तुम रजनीकांत हो ही नहीं सकते। अगर तुम रजनीकांत होते तो उस मनोज गुलाटी को एक नजर से देखते और वो जल के राख हो जाता। ऐसी भी कोई देख के एक नजर में राख कर सकता क्या? ये कौन था गुलाटी जो गुलाटियां मार मार के मेरी नींद खराब करके चला गया? अबे एक बात बता, हम दोनों यहाँ पे क्या तुम्हें खबर बताने के लिए बैठे हुए हैं? हर आधे घंटे में उठ के पूछता है कि क्या हुआ, चुपचाप सो क्यों नहीं जाता तू? एक बात बता गफूर। कौन गफूर यार, मेरा नाम तो रजनीकांत है। जब से मिले एक बार भी मेरे नाम से तुमने बुलाया नहीं, पता नहीं कौन कौन से अजीब से नामों से बुलाती हो। I'm CBI officer, yeah, have a heart. तुम्हारी शक्ल ही नहीं CBI officer वाली। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारा घर इतना बड़ा है कि जब तुम एक फोन कॉल करके अपने एक रूम से दूसरे रूम तक जाते हो तो SD रेट्स लागू हो जाते हैं? ऐसे भी किसी का घर हो सकता है क्या? मेरा तो एक छोटा सा 1 bedroom हॉल किचन का घर है। किस बात के रजनीकांत हुए तुम? काहे के रजनीकांत हुए फिर? वैशी और खूनी दरिंदे हो तुम। एक वो रजनीकांत है जिनकी लोग पूजा करते हैं, जिनके नाम पे लोग मंदिर बनवाते हैं। एक तुम हो, तुम्हारे नाम पे तो कोई एक बाथरूम तक ना बनवाए। अरे तुम्हारे माँ बाप ने इतने पवित्र और बड़े दिल वाले व्यक्ति का नाम तुम्हें दिया है, शर्म करो, सुधर जाओ। प्लान तो बता के जाओ। बाथरूम ना जाओ, हाँ रोक रोक कर किडनी की तकलीफ पैदा कर लूं शरीर के अंदर। प्लान तो बताती जाओ। क्यों बनती है जिज्ञासा और 5 घंटे में 5 करोड़ जैसी फिल्में बताई। हाँ जोसेफ, राम गोपाल वर्मा की आग सुपर हिट फिल्म थी। है अभिषेक, त्रिमूर्ति भी बहुत बढ़िया थी। ओ तेरी, आ गई हुशियारपुर की गाड़ी। क्या बहन जी आपने बताया ही नहीं। हाँ देख भाई हुशियारपुर के बेवकूफ, ये गाड़ी दिख रही सामने वाली, जब ये गाड़ी यहाँ से हटेगी तब हुशियारपुर की गाड़ी यहाँ पर लगेगी। अब अगर तूने मुझे बार बार तंग किया गाड़ी के बारे में पूछकर, तो मैं तेरी वो हालत करूंगी कि तू अपने गांव हुशियारपुर पैदल जाएगा। मगर बहन जी हाँ। मेरा गांव तो हुशियारपुर है ही नहीं। तो फिर बार बार हुशियारपुर हुशियारपुर बोलकर हमें टॉर्चर क्यों कर रहे तू? क्योंकि बहन जी हुशियारपुर जाने वाली गाड़ी ही मुझे मेरे गांव बानपुर उतारेगी। तुम्हें बानपुर जाने? हाँ तो आप क्या समझ रहे थे? हम लोग भी बानपुर जा रहे। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, जब आएगी गाड़ी तो उठा देंगे तुझे। अभी सो जा, सो जा अभी बैठ के। क्यों बहन जी, अब जब देखो सो जा सो जा सो जा। क्या मैं चरसी हूँ? HIV है मुझे, क्या छू तू मैं? एक बात बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो आप मेरे सोने के बात करते हैं? जब देखो सो जा सो जा। सो ही जाता हूं मैं, जिसको देखो सो जा सो जा, सो सो के पागल हो गया। बच्चन साहब, बच्चन साहब दरवाजा खोलिए, ये क्या हो गया आपको? नहीं तोड़ूंगा नहीं तोड़ूंगा, मैंने तन्याज ले लिया है।
मैंने बाथरूम का लिया हाथ ले लिया है। ये आप क्या बोल रहे हो? ठीक बोल रहा, पहले उस हराम देख पिल्ले को वापस हैदराबाद भेज दो। वो हैदराबाद जाएगा, मैं बाथरूम का दरवाजा तोड़ दूंगा, नहीं तो नहीं तोड़ूंगा। वो हैदराबाद भेज दो, मैं सब कुछ खोल दूंगा, मैं बाहर भी आऊंगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रुकिए, अरविंद जी को बुलाती हूँ। बाबूजी, 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 10 रुपया दे दो, भगवान तुम्हारा भला करे, इसका करे उसका करे सबका करे। थैंक यू। सोते हुए बाबूजी? मुझसे तो मांगना भी नहीं, मैं उल्टा तेरे छीन लूंगा। सोचना भी मत, ये हो ही नहीं सकता। कहां तुम वैशी और खूनी दरिंदे, कहां मैं? बात तो ऐसे करती है जैसे कि ऐश्वर्या सुष्मित हो। क्या बोलिया? नहीं जी कुछ नहीं। नहीं कुछ बोले तो थे, आपके होठ हिले तो हैं। बस यूं ही सोच रहा था कि आपकी बातें सुनकर मेरा भी तो मन बदल, और फिर मेरे नाम की भी इज्जत करनी पड़ेगी। सारे बुरे काम छोड़ रहा हूँ मैं। ये हुई ना बात, सुपर्ब। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, बहन जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात की मदद ले सकती हूँ। बोलिए बहन जी, पूरा देश आपके नाम कर देते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ही इज रजनीकांत। नहीं बहन जी, वो असल में मेरी 1 घंटे में रतनाम के लिए ट्रेन निकलने वाली है, और मैं अपने बेटे के साथ अकेले ही ट्रेवल कर रही हूँ। मैंने अपने लिए तो साड़ियाँ खरीद ली हैं, मगर मैंने अपनी सासू माँ के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है। यहीं पास में एक दुकान है, तो वहीं से मैं अपनी सासू माँ के लिए शॉल खरीद लेती हूँ। तब तक आप 10 मिनट के लिए मेरे छोटे से बच्चे का ध्यान रख सकते हैं? मैं 10 मिनट में आ जाऊंगी। देखो आ जाना 10 मिनट में बहन जी, क्योंकि हैदराबाद से एक औरत आई थी, इन्हें छोड़ के गई थी। देखिए कितने बड़े हो गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप बहन जी। गोपू, आंटी अंकल को परेशान मत करना। हाँ जाओ। अंकल फोन दो ना, नानी से बात करनी है। अरे अरे मेरा बच्चा, अरे गोपाल फोन दे दो यार, शक्ल अच्छी नहीं है, काम तो अच्छे करो। इसमें कीपैड नहीं है। तो तुम्हारा फोन दो ना। हेलो मुनमुन। यार मुनमुन मैं कोई भी बोल रहा हूँ, मगर तुम ना बहुत कमाल की आइटम हो। उस दिन आपको फंक्शन में डांस करते देखा, मेरा दिल कर रहा था कि आपको बहुत सारी किस्सियां करूं। आई लव यू मुनमुन डार्लिंग, बाय। आंटी ये वापस कॉल करे तो उठाना मत, वो बहुत गंदी गंदी बैड वर्ड्स बोलती है। अबे साला इतना छोटा सा काम इतना कमीना वाला करते हो तुम, मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ, अंदर कर दूंगा तुझे। अब बताओ ये बच्चा तो शैतान का बच्चा निकला, इतना छोटा होकर शक्ति कपूर वाली हरकतें करते शर्म नहीं आती तुझे? आने तो तुम्हारी मम्मी को, सारी बातें बताऊंगी मैं उन्हें। सॉरी आंटी मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, अब जब तक तुम्हारी मम्मी नहीं आती चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह बैठे रहो यहीं पर। तुम भी अच्छी आइटम हो। स्मॉल साइज थर्की, मर्द मर्द होते है बॉस, किसी भी साइज में आ जाए। अरे बोला इसने, और सारे मर्दों को बोल रही हो तुम। ए हेलो चचा रशीद, इसकी शक्ल देखो तुम, फिर उसकी हरकतें जो उसने अभी अभी यहाँ पर की। बड़ा होकर अगर 1000 लड़कियों को ना घुमाया इसने तो नाम बदल देना तुम मेरा। आंटी आप गुस्सा मत करो, मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। काहे का मैजिक पे, कौन सा मैजिक है? सांवरी की औलाद, कपड़े उतारेगा क्या तुम मेरे? देख लो यही बोश है हिंदुस्तान का। Thank you.
भाई ये क्या? क्या है बे? भाई रात के वक्त चश्मा? वही मैं बोलूं साला, रात में भी अमावस क्यों लग रही है? बच्चन साहब का छोटा भाई है, हा? शायद हमें ढूंढ के आया है, पर है तो आधा पागल। तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हमें तो मालूम है ना हमें क्या बोल रहा है। अबे सुन बे, ये क्या बे, रजनी भाई के साथ बच्चा? रातों रात बड़ा हो गया क्या? भाई ये रजनीकांत है, कुछ भी कर सकता है भाई। ओ तेरी, ये तो मैं भूल ही गया था यार। भाई साहब, बहन जी, मैंने अपनी सासू माँ के लिए शॉल खरीद ली है। आपने मेरे बच्चे को संभाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है। काहे का प्यारा बच्चा, हमेशा फेल होता रहता है, पढ़ाई में ध्यान ही कहाँ रहता है इसका। वो इसलिए क्योंकि उसका ध्यान और भी बहुत क्रिएटिव चीजों में। खैर अभी हमें भी चलना है। यू हैव अ गुड ट्रिप। थैंक यू। वैसे भी भैया ने बोला है इससे पहले सलाम सबको मौत की घाट उतार दे, इसको एयरपोर्ट छोड़ के आते ताकि हैदराबाद चले जाए। चलो चलिए मैडम, बैग लाइए दीजिए। वैसे भी जब से बहुत नचाया आपने। अरे भाई क्या कर रहे हो? चलिए। नहीं नहीं नहीं, क्या है ना, तुम्हें गलतफहमी होगी, ये वो लड़की नहीं है जिस लड़की के साथ हम आए थे। जिसका पीछा मैं कर रहा हूँ वो नहीं है, मेरी दोस्त है, सीबीआई ऑफिसर है नेहा बालकृष्णन। क्या बात कर रहे हो, ये बात अपने पहले क्यों नहीं बताया रजनी? हाँ, भाई कैसे बताता, तुमने तो बोलने के लिए मौका ही नहीं दिया। गुलशन ग्रोवर की तरह चले आ गए गाड़ी में बिठाने। गलती हो गई भाई, माफ कर देना। गलती नहीं यार, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता अगर इस लड़की को पता चला कि तुम लोग कौन हो और मेरा असली रूप क्या है, तो फिर हम सब मारे जाएंगे। भाई को बता दो। नहीं नहीं भाई प्लीज, भैया से मत कहना प्लीज। रजनी भाई प्लीज प्लीज। इसके पहले एक औरत को देखे थे ना तुम बच्चे के साथ? हाँ। वो इसकी बड़ी बहन है, ये लोग सब अहमदाबाद जा रहे हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अच्छा। तुम्हें इस लड़की के साथ फंस गया, और जिस लड़की का पीछा मैं कर रहा था, जिसके पास अपने पैसे थे, वो तो भागी। भाई अब इस गलती को कैसे सुधारे भाई? वहाँ भैया ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर रखा है, कहते हैं जब तक आप हैदराबाद नहीं पहुँच जाते वो बाथरूम से बाहर नहीं निकलेंगे। पैसे तो वैसे ही मिलने से रहे। बस ठीक है तो मैं चला जाता हूँ हैदराबाद, आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ देना। हाँ। एक काम करता हूँ, मैं इस लड़की को बोल देता हूँ उसके पहले आप लड़कों को लेकर गाड़ी में बैठ जाइए। हाँ, हाँ, ये है? चलो 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 गाड़ी में बैठो, रजनी भाई को एयरपोर्ट छोड़ना है। अब मुझे जाना है। जाना जरूरी है क्या? अच्छा मुझे कौन संभालेगा? एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है इस बैग को कौन संभालेगा? हमारी बात हुई थी ना कि भानपुर जाने तक तुम इसको संभालोगे। इनको बेवकूफ बनाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे हैदराबाद तक जाना ही पड़ेगा, पर मैं वापस आऊंगा। मेरे नाम की इज्जत जो रखनी है। इसे भी लेते जाओ, ये तुम्हारे पास ही रहने दो, और तुम्हें तो कहा था ये तुम्हारे पैसे हैं। I'll wait for you. मैंने एक बार कह दिया तो 100 बार कहने का समान है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चन साहब तो नाइट मैच खेल रहे थे, तो अपने आप को बाथरूम में क्यों बंद किया? बच्चन साहब, मेरे प्यारे बच्चन साहब, खाना खा लीजिए ना। नहीं खाऊंगा। प्लीज खाना खा लीजिए। नहीं खाऊंगा। हाँ, मैंने कहा ना खाना खा लो। मुझे एक बात बताओ, वो रजनीकांत हैदराबाद चला गया? जा रहा है। मुझे ताना ताना है, ताना ताना है। वो चला जाएगा ना? हाँ, ताना ताना है। चला जाएगा ऑन द वे। तुम भी ताऊ ना, मैं चलाऊ। এই দাদা ভিতর কি করে কি গন্ডগোল হ্যাঁ আন্দর কি ফটাফাটি হো রহা হ্যায় উড়ি বাবা এই দুটো ভাই হ্যায় একদম দোনোকে দোনো বকা হ্যায় সালা হ্যাঁ একটো সালা হ্যায় ছোটা ওয়ালা জো সালা ছোড়কে বলগি রহা হ্যায় আর এই জবানকে বলগি রহা হ্যায় ততলা এই ততলা
ये हो रहा है अंदर? ये दोनों के चक्कर में हम खास आदमी एकदम आम आदमी हो गए हैं। आम आदमी से याद आ गया। ऐ जब तक तुम बाहर नहीं निकलेगा हम इधर ही खड़ा खड़ा धरना करेगा। ए तोतला फटाफटी बाहर निकलो है। उड़, दूड़। बोका। सर हमारा माथा खराब हो गिलो। सर तो पागल है। इधर ही सोता है। ऑर्डर ऑर्डर टेक टू जा करेक्ट वैसे भी भैया ने बोला है इससे पहले साला हम सबकी डायलॉग हो गया। अच्छा ये लेट के सो जाए चुपचाप तो एक्शन कुछ कर रहे हैं? वापस करता है जिस काम के लिए बोला है उसको तो पूरा कर। डायलॉग ना तूने नायडू को वो काटते ना। मेरे को रिएक्शन तो दो। मगर याद रखना चुप गई है बात, वो डायलॉग में रेडी नहीं हूँ। बस करो यार आगे आ जाओ। ले लो आ जाओ। नहीं वो वन मोर कर। टीचर्स सॉरी क्या डायलॉग? सॉरी क्या लाइन हो गया मेरा नाम का इज्जत चोर। ए यार क्या हो रहा है मेरा? अच्छा इंसान का ना गया वो आप 5 लाख बोलेंगे और फिर आप मस्का नहीं लगाना। रेडी 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 कैमरे के सामने पैसा है मेरे साथ देखो। मधु जब डांस करके रेडी तो इधर से करते एंड यू नो वन मोर आई ओपन कुछ और बोल के वापस से वो जो आदमी था। वन मोर ओके सब 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 वेयर इज मधुस लुक आज पूरे पर गुड शॉट ब्यूटीफुल शॉट कमाल आग में आता हूँ ठीक है बाय।